Hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching for the first time, please hit the subscribe button to watch latest video of delicious dish and also tap the bell button for the future notification. Today I am going to show you how to make chicken ginger. Uske liye hum sabse pehle marinate kar lete hain chicken ko. Ye humne 250 gram chicken liya hua hai aur hum isme lemon juice add karenge aur ye जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये सॉल्ट, नमक को हमने इसमें डाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हाफ एन आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तब तक के लिए हम इसकी बाकी कुकिंग के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। चिकन को हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया है और इसके लिए हमें कुछ और इन्ग्रीडियंट चाहिए। ये हमने एक प्याज को, एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है और ये हमने कुछ गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये फ्रेश रेड चिली है और ये दो हमने ड्राई रेड चिली ली है और ये हमने कोरिएंडर सीड्स ली हुई है और ये क्यूमिन सीड ली है, मीन्स धनिया खड़ी और ये ज़ीरा, और ये हमने अदरक लिया है जिसको हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है और ये जूलियन कट में हमने ये अदरक को काट लिया है जस्ट फॉर गार्निशिंग और ये हमने रफली चॉप कर लिया है एक आधा इंच के टुकड़े को अदरक के और ये हमने थोड़ा सा पानी लिया है इसको कुक करने के लिए। चिकन को कुक करने के लिए हमने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल हीट कर लिया है, इसमें जो हमने प्याज ली थी वो ऐड करके हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हम चिकन जिंजर चिकन की छोटी पीसेस में बना रहे हैं, अगर आपके पास बड़ी पीस हो तो आप उसमें गैशेस डाल दें, थोड़ा सा उसको कट कर दें ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो सके। इसको हमें बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से फ्राई करके और बाकी सारे मसाले जो हमने दिखाए थे वो भी फ्राई करके इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, फिर हम इसको बॉईल करेंगे, फिर फाइनली ये हमारा हम इसको एक पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को फिर हम डालेंगे अपने चिकन में, तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। बस ये हमने जो मसाले लिए थे, ये धनिया, ज़ीरा, लहसुन, ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। मिर्च हम थोड़ा रोक लेते हैं अभी, थोड़ा इसको फ्राई कर लें फिर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से इन्वेंट करके आप अपनी कोई भी डिश तैयार कर सकते हैं। और इसमें ये हमने जो रफली चॉप करके ये आधे इंच का टुकड़ा अदरक का रखा था वो भी डाल देंगे, 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे, ध्यान रहे कि ये जलने ना पाए बिल्कुल भी, और जैसे ही आपको लगे कि ये जलने वाला है वैसे आप इसमें पानी ऐड कर दें। ये हमने इसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लिया है, बस अब इसी पे हम ये जो हमने वाटर लिया था वो डाल देंगे, ये पूरा पानी इसमें गया, एक गिलास पानी हमने लिया था, बस इसमें अब कुछ नहीं करना है, इसको हम ऐसे ही पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, ढक देंगे या ना भी ढकें, बस बॉईल होने से इसका मतलब है, थोड़ा सा बॉईल हो जाए फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसको पीस लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमने मिक्सचर को निकाल लिया है अलग और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है और इस पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल दिया है और इसमें अब हम डायरेक्ट ये चिकन डाल देंगे। इस चिकन को जैसा कि हमने दिखाया था कि हमने लेमन जूस, नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक के पेस्ट से मैरिनेट किया हुआ था और इसको हाफ एन आवर के लिए हमने रख लिया था और अब हम इसमें डायरेक्ट ऑयल हीट करके हमने इसको इस मैरिनेशन को इसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा अभी थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए फ्राई भी कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्राई भी हो जाए और इसका जो भी मॉइस्चर है, जो नमी इसके अंदर है वो निकल जाए, फिर हम इसमें उस पेस्ट को बना के डालेंगे। और इसमें ये जो हमने अदरक को फाइनली चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे साथ ही।
हमने तीन तरह के डिज़ाइन में अदरक को काटा था। एक को हमने हाफ इंच के टुकड़े को बस रफली चॉप कर लिया था, एक में फोर पीसेस कर ली थी, इसको हमने पेस्ट में डाल दिया है अपने। और ये जो फाइनली चॉप करके अदरक को हमने रखा था वो हम अब यूज़ कर रहे हैं, यानी चिकन के साथ हमने डाला। और जो जूलियन कट में हमने काटा था वो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बस हम इसको थोड़ा सा मॉइस्चर इसका कम होने तक इसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं। ये हमने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, बस हम इसमें जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। ये डायरेक्ट हम ग्राइंडर से इसमें डाल रहे हैं और ये इस ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसके सारे मसालों को निकाल लिया है। बस हमें अब इसमें कुछ नहीं करना है। सॉल्ट हमने इतना डाल दिया था कि ये चिकन के लिए सफिशिएंट होगा। अब हम इसको एकदम स्लो फ्लेम पे ढक के चिकन गल जाने तक, टेंडर हो जाने तक हम इसको पकाएंगे। चिकन टेंडर होने तक हमने इसको पकाया था, अब फाइनली हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको बनाएं, खाएं और चिकन जिंजर ग्रेवी को एंजॉय करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। आई विल मीट यू सून विद माई न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।